डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि क्या वजह है जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और साथ ही स्टेमिना जो है वो कम होता जाता है। डॉक्टर साहब पूरी डिटेल से समझाइए ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे ये बढ़ जाता है और स्टेमिना क्यों कम हो जाता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल शरीर में एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक चिकना पदार्थ होता है मोम जैसा, जो कि शरीर में उसकी आवश्यकता होती है। अगर एक लिमिट तक वो रहे तो हमारे शरीर में कई प्रकार के कार्य करता है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स है उनके अंदर रहता है, हमारे लिवर के अंदर रहता है, हृदय के अंदर रहता है, हार्मोन्स के निर्माण में कार्य करता है, कई प्रकार के विटामिन्स के निर्माण में उसका फंक्शन होता है। तो वो एक आवश्यक तत्व है, कोई ऐसा खराब चीज नहीं है। लेकिन खराब कब होता है, जैसे आपने बैड कोलेस्ट्रॉल शब्द जो प्रयोग किया, खराब कब होगा कि जब उसकी मात्रा जो है एक वो नॉर्मल से अधिक हो जाए शरीर में। तो जब चिकना पदार्थ, जैसे मैंने कहा आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझना चाहें तो हम आम की बात करते हैं हमेशा, कि अगर हमारे शरीर में आम बनने लगे, चिकना पदार्थ एक बनने लगे जो कि भोजन के ना पचने से बनता है, और वो एक ऐसा पदार्थ है कि वो कहीं भी किसी भी चीज़ के अंदर मिल करके, हमारे खून के अंदर मिल करके या किसी और जो हमारे शरीर में फ्लूइड्स जो बह रहे हैं उनके अंदर मिल करके कहीं जमा होने लगे, तो फिर वो नुकसान करेगा। जब नुकसान करेगा तो उससे शरीर में सुस्ती आएगी, आपका स्टेमिना भी कम होगा, धातु आपके नहीं बनेंगे और अनेक प्रकार के रोग इससे आएंगे। जहां तक आप वजहों की बात करें कि क्यों कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से दो मेन कारण हम इसमें लेते हैं मुख्य रूप से। एक हमारा भोजन, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल। आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं आहार और विहार। अगर खाना हमारा जो है बहुत गरिष्ठ है, बहुत चिकना है, बहुत ज्यादा जो हैवी भोजन है जो ठीक से नहीं पचा पाते हम, और शरीर हमारा जो है उस भोजन को सही रूप से ना पचाने के बाद जो धातु शरीर में वो नहीं बना पाते हैं, तो दोनों चीज उससे होंगी। जब खाना जब पचेगा नहीं तो जो बिना पचा हुआ जो खाना है उससे आम बनेगा, चिकना पदार्थ बनेगा, जिसको हम एक एक समय पर उसको कोलेस्ट्रॉल से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब वो खून में जला जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा, ट्राइग्लिसराइड कहलाएगा। दूसरा, हमारे शरीर में धातुओं की कमी रहेगी। जो आपने स्टेमिना की बात की तो उससे स्टेमिना भी हमारा कम रहेगा, शक्ति हमारे शरीर में कम रहेगी, क्योंकि धातु पूरे हमारे शरीर में नहीं बन रहे। दूसरा कारण जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा जो है दिन भर में बैठे रहना, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, घूमना फिरना नहीं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करना, उससे भी होता है। और आजकल एक तीसरा कारण भी जो बहुत कॉमन देखने में आ रहा है वो है हमारा मेंटल स्ट्रेस। मानसिक तनाव की वजह से हमारा पाचन भी खराब होता है, मानसिक तनाव की वजह से हमारे शरीर के जो डिफरेंट जो कार्य कर रहे हैं हमारे शरीर में अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन पर भी फर्क पड़ता है, और उसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ सकता है। भोपाल से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमर जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरे को 5 सालों से सोरायसिस की दिक्कत है जी, और मेरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है और होम्योपैथिक दोनों चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने आयुर्वेदिक को इस्तेमाल नहीं करा है जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था इन दोनों पैथी को छोड़ के मेरे को आयुर्वेद में आना चाहिए कि आयुर्वेद भी शुरू कर दूं मैं। देखो किसी भी पैथी में आप जाएं वो कोई बात नहीं, आप एलोपैथी में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, आपको आराम आना चाहिए। सोरायसिस डेफिनेटली एक मुश्किल रोग है, आसान नहीं है, इसमें आराम आना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खान पान में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप 5 साल से पीड़ित हैं और आराम नहीं आ रहा है तो आपको आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको 3-4 महीने में कुछ फर्क दिखना भी चाहिए। तो उसके लिए जैसा कि बार बार आपको बताते हैं हम कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, आखिरकार हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ चुका है, उसे पहचानने के लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब बीमारियां जो है अक्सर अपना जो है संकेत दे देती है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में खराब होता जा रहा है, ये लेवल बढ़ गया है, स्टेमिना कम होता जा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले तो यही है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है तो शरीर में थकावट महसूस करेंगे आप, सुस्ती आपके शरीर में रहेगी, ओबेसिटी यानी कि मोटापा आपके शरीर का बढ़ सकता है, चेस्ट में पेन होना एक लक्षण उसका हो सकता है, सांस थोड़ा सा खींच करके आना क्योंकि स्टेमिना कम है, तो जब भी आप जो है कुछ थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपका सांस खींच के आएगा, ये एक लक्षण हो सकता है। सिर में दर्द भी आपको हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा आपको शरीर में अगर लगे कि बहुत ज़्यादा फैट की जमावट हो रही है
तो ये लक्षण मुख्य रूप से देखने में इसको मिलते हैं। कोई ज्यादा ऐसा आपको कई बार पता भी नहीं चलता जब तक आप स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाकर के या स्पेशलिस्ट के पास जाकर के बात नहीं करते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा तो वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि खास तौर पर अगर आप 40 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, थोड़ा कभी कभार चेक कर लेना चाहिए, नॉर्मल रूप से भी चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर रोग आपको अर्ली पकड़ में आ जाए तो फिर उसका उपचार बड़ा आराम से हो सकता है। दूसरा, अगर जो हम आम की बात करते हैं, आम के लक्षण अगर आपको हैं, तो आम के लक्षण क्या होते हैं? जीभ पर सफेद रंग की कोटिंग अगर आपको आती है, आपको मोशन जो है एक बार में क्लियर नहीं होता, आपको सुबह 2-3 बार जाना पड़ता है, इसके अतिरिक्त आपके शरीर में दिन भर जो है सुस्ती बनी रहती है, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन बना रहता है, ये भी आपको कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये आम के लक्षण है। आम है तो हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल भी आपके शरीर में बना हो। फरीदाबाद से दर्शक जुड़ गए हैं, विक्रम जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी, नमस्कार सर, मैं फरीदाबाद बल्लमगढ़ से विक्रम बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। एक्चुअली मेरी एज 23 है और सर मैं अभी जॉब भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ साथ में। अच्छा। और सर मेरी जॉब सिटिंग जॉब, बट सर मुझे जब से मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है तब से मुझे पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा। सर सुबह किसी ने बताया था कि उठ के पानी ज्यादा पिया करें, मैं सर वो पानी पीता हूँ पर फिर मुझे मोशन क्लियर नहीं होता, उससे सर मुझे पूरा दिन ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर। जी देखिए, आपने बड़ा अच्छा समझाया, आप दो काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो सेडेंटरी आपका लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से पाचन खराब होता है, अपच होती है, आम बनता है, आम की वजह से जो है वो आंतों में चिपक जाता है, मोशन क्लियर नहीं होता है। और पानी आप सुबह पीते हैं तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको निवेदन करूंगा कि गुनगुना पानी आप पिए, गुनगुना पानी पिए दिन भर में भी, अगर आप चाहें तो एक थर्मस में भर के ले आए, सुबह घर में ही आप बना लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ताजा अदरक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया बीज साबुत, ये आप उबाल लीजिए अच्छी तरह से, ये गर्म पानी एक थर्मस में भर के आप ऑफिस ले आइए, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके आप वो चाय की भांति उसको पीते रहिए, और विशेष रूप से जब खाना खाएं उस समय भी इसको घूंट भर भर के आप पिए तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन थोड़ा चलना फिरना भी चाहिए, आधा पौना घंटा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा चाहे जॉगिंग करिए, दौड़ लगाइए, व्यायाम करिए, जो भी कर सकते हैं, ताकि आपके शरीर में जो सर्कुलेशन खून का बना रहे और आपका पाचन यानी कि जठराग्नि आपकी मजबूत रहे। आज हम बात कर रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल की। आखिरकार डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल है तो उसके संकेत क्या है, लक्षण क्या है, यदि ऐसा हो जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका खतरा सबसे ज्यादा मंडराने लगता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके प्रोन हम सबसे ज्यादा हो सकते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से आपकी जो आर्टरीज है उसके अंदर चला जाता है, खासतौर से हार्ट की जो कॉरोनरी आर्टरीज है उनको ब्लॉक करता है। आपने आमतौर पर सुना होगा कि भाई ब्लॉकेज हो गया हार्ट के अंदर, तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। खून में जो है छोटे छोटे थक्के क्लॉट्स बन सकते हैं जो और कहीं दूसरी जगह जाकर भी ब्लॉकेज कर सकते हैं, जैसे कि आपके कैरोटिड आर्टरी ऊपर जा रही है ब्रेन के अंदर, वहां भी ब्लॉकेज हो सकता है, स्ट्रोक उसको बोलते हैं, ब्रेन का स्ट्रोक आपको हो सकता है, यानी कि आपके ब्रेन में खून की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है पूरी। इसी प्रकार से हार्ट अटैक आपको हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, मोटापा हो सकता है, अनेक प्रकार के रोग हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकते हैं, और इसको जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्रेन और हार्ट ये दोनों ही हमारे जो है ऐसे एक महत्वपूर्ण जो है कार्य करने वाले हैं शरीर में, कि इनमें अगर खराबी आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। वैभव जुड़ गए हैं, वैभव स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। एक्चुअली मेरी माता जी को गठिया का बहुत दर्द रहता है, तो उसके लिए मतलब क्या किया जा सकता है? अच्छा, गठिया कब से है उनको? दो साल हो गए कम से कम। तो कुछ टेस्ट वेस्ट कराया आपने, एक्सरे? हाँ, या कुछ खून की जांच? हाँ, कराई? हाँ कराया था, यूरिक एसिड वगैरह चेक कराया था। तो उसमें कुछ गठिया पॉजिटिव आया उनका? हाँ जी। अच्छा, देखिए गठिया 2 साल से है, अभी ज्यादा पुराना नहीं है। आयुर्वेद में जो इसकी जो चिकित्सा सूत्र है वो मैं समझा दूं आपके माध्यम से और दर्शकों को भी, बहुत सारे लोगों को ये रोग होता है, आम वात इसको हम कहते हैं। आम की आज हमने कई बार चर्चा की कि जो हमारा भोजन पचता नहीं है ठीक से, उससे अधपचा जो खाना रहता है उससे एक विषैला तत्व बनता है, चिकना पदार्थ बनता है, जिसको आम कहते हैं। ये आम जो है हमारे शरीर में घुटनों में जाके जमेगा अगर, तो वह सूजन भी आएगी, दर्द भी होगा। तो आम को पचाना इसका पहला जो कार्य है, सबसे पहले आम को पचाना है, दर्द को बाद में देखना पड़ेगा, पहले आम को पचाया जाए।
आम के पाचन के लिए सौंठ का चूर्ण भी अगर आप प्रयोग करवाएंगे माताजी को बहुत फायदा होगा। सौंठ का चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से वो सेवन करें। साथ में आम बनाने वाली चीजें बिल्कुल ना खाएं, दही बिल्कुल ना खाएं, बादी वाली चीजें बहुत ज्यादा, गोभी, उड़द की दाल, छोले, पराठा, पूड़ी, ये सब जो हैवी चीजें बिल्कुल इनको ना खाएं वो। और दूसरी चीज इसके साथ साथ थोड़ा सा तिल का तेल हल्का सा गर्म करके जहां जहां पर भी दर्द होता है उसमें मालिश करें। ये आपका शुरुआत, मैंने आपको एक चीज बताई जिसको शुरू आप कर सकते हैं। जहां तक इलाज की बात है, इलाज आयुर्वेदिक औषधियों से इसका आपको संभव है। उसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके पूरा परामर्श करना चाहिए। हमारे यहाँ फोन के माध्यम से भी आप अपनी माताजी का बात करा सकते हैं डॉक्टर से, ताकि पूरा रोग समझा जाए, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, पहले कोई रोग उसको कैसा रहा, आजकल उसकी और दूसरे जो हमारे जो संस्थान है, जो पाचन है, सर्कुलेशन है, हार्ट है, हॉर्मोन्स है, उनकी क्या स्थिति है, वो सारी जब स्टडी हम करके पूरा जो हिस्ट्री लेकर के उसके पश्चात फिर निर्धारित करते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां इसको देनी चाहिए। आइए इसी के साथ डॉक्टर साहब से जान लेते हैं क्या है आज की संजीवनी, जिसमें वो हमें बताने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने और स्टेमिना को बढ़ाने के कारगर आयुर्वेदिक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिये, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले आपको गंदगी निकालनी है। स्टेमिना तब बढ़ाएंगे, पहले गंदगी को साफ करो। तो कोलेस्ट्रॉल को अगर साफ करना है आपको, तो धनिया साबुत होता है, कूट करके रख लीजिए, एक चम्मच एक कप पानी में डाल करके अच्छी तरह से उबाल लो उसको। धनिया का पानी उबला हुआ तो उसको छान करके गुनगुना गरम गरम पिए। दिन में 2-3 बार आप पियेंगे तो बहुत फायदा करेगा। सौंठ भी, थोड़ी ताजी अदरक भी इसमें डाल लेंगे, उससे भी आपको फायदा होगा। ये पाचन का काम कर रहा हूँ मैं, जहां जहां आम जमा हुआ है उसको पहले पचाना है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल ही है आपका। दूसरी चीज, अब जो मुख्य रूप से जो आपके नालियों में जो जमा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, आर्टरीज में कहीं और दूसरी जगह जमा हुआ है, प्याज का रस बहुत अच्छा है। प्याज का रस जो है खून को भी पतला करता है और छोटी छोटी सी नालियों में जाकर के वो गंदगी को सफाई करता है। प्याज का रस एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को। लहसुन का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, एक कली लहसुन की सुबह खाली पेट आप खाएं, उससे आपको आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो है भोजन बहुत लाइट हल्का, और व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज रेगुलरली करें।